रौनाहा प्रखंड के बेलवा पंचायत के मुरली भरावा गांव का विद्यालय बना युद्ध क्षेत्र। गांव का विवाद विद्यालय में पहुंचा, मुखिया ने लगाई अनियमितता का आरोप। राजकुमार शुक्ला की कर्मभूमि मुरली भरावा का विद्यालय बना रण क्षेत्र। ग्रामीणों ने कहा, 3 वर्षों तक कहां थे मुखिया जी, आज कैसे याद आई विद्यालय की, सड़कों पर नहीं पड़ी एक रोड़ी। क्या आपके पंचायत में यही एक विद्यालय है, छात्र एवं छात्राओं ने लगाई मुखिया पर आरोप। बोली कि इन्होंने ऐसा करने को कहा था, 2 गुटों में हुई तू तू मैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गगन देव राम ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश पर जांच कर अपना प्रतिवेदन सौंपा। मतलब आज वो लोग में कितना अपने में आपसी विवाद था, तो ये स्कूल में आके वहाँ का विवाद लेके ये स्कूल में आवत है, जबकि यहाँ हमनी के निगरानी करते हैं, बच्चा आते बड़ा सब खाना पोसार जौन बा बोलते बा। अब 4 गो टीचर है, 4 गो टीचर में 1 गो स्टूडेंट हो गई बा, 3 गो बा, 3 गो टीचर आते बात है, कमी काफी बाजे स्कूल में आके मैंने अपन दादागिरी चाहे कुछ करते रहे। रहो नाम का बोल शेख अबू रहो। ये जो हमारे विद्यालय में जो विवरण लिख कर गया है, ये जो साइट पर जो मुन्ना भाई लिख कर भेजे है, इसमें कहीं गांव के जनता के कहीं कोताही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना पर्सनली मैटर लेकर, अपने गांव का मामला लेकर हमारे इस मूली भरावा विद्यालय में आकर इस मामले को दूसरे के ऊपर जो इसमें प्रभार ताहिर मास्टर है उनको फंसाना चाहते हैं, उसको कौन से यहाँ से मतलब सोचते हैं कि कैसा इसको फंसाया जाए। ये मामला होना चाहिए रास्ते में, विकास का काम होता है स्कूल में नहीं होता है, वो तो मुखिया है, मुखिया जी को इसमें स्कूल में ये सब बात नहीं करना चाहिए। इसमें मध्यान्ह भोजन एकदम सही से बनता है, हम बराबर स्कूल में आते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं कि सब लोग भी 9 बजे से पहले ही आ जाते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम वजीर आलम है। वो लोग पॉलिटिक्स में आपस में पलटारी में झगड़ा भइल बा, एमे कोनो तरह के बात नहीं के, हमनी के विकास चाहिए, अगर कभी स्कूल में कोई तरह के विवाद नहीं के। अब ओमे वित्तीय प्रभार जो टीचर बने ताहिर मास्टर, उनका मैंने कहे में आपस में लोग का बात बा, वही के वजह से स्कूल पर बार बार कहे मैंने टॉर्चर पे जाता। पहले रास्ता पर अगर पहले बात हो के, विकास पे बात हो के, स्कूल पर कोई तरह की यहाँ विवाद नहीं है। कंप्लेन है कि इसमें बच्चे जो है बहुत कम आते हैं, शिक्षक पढ़ने का मतलब आप देखिए ना, कम आ रहे हैं कि क्या आ रहे हैं। अब चार टीचर है तो 3 आ रहे हैं, का एक्सीडेंट हो गया है तो क्या उसको कैसे बुलाए, पटना में इमरजेंसी में भर्ती है, उसको कैसे आप बुलाइएगा। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? शाकिर अहमद। क्या है अभी तो क्या है, इसमें हम लोग सदस्य है। आप लोग विद्यालय में खबर आ रही है कि पढ़ाई यहाँ पे नहीं होती है, शिक्षक समय से नहीं आते हैं, मध्याह्न भोजन समय से नहीं मिलता है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है बताइए आप लोग। तो फिर आप लोगों ने कैसे कंप्लेन कर दिया? हम लोग सर, हमें नहीं दिया सर, वो दो गया, 3 आदमी आए थे, चार खाने भरे थे, खाने भरे थे, और लड़का लोग वीडियो की थी, लड़का लोग बोले थे, और वीडियो का बोले गए थे। एक मिनट, नाम क्या? अच्छा, पढ़ाई होती है यहाँ पे? पढ़ाई होती है, भोजन मिलता है मध्याह्न भोजन? भोजन मध्याह्न भोजन मिलता है? अच्छा, सर समय से आते हैं? अच्छा, तो उस दिन आप लोग कंप्लेन किए हुए हैं कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, मध्याह्न भोजन नहीं मिलता है, तो कैसे कंप्लेन आप लोगों ने किया, कौन सिखाया था आप लोगों? किस क्लास में पढ़ती हो? 8वां। अब बताइए अपनी। शनिवार के दिन आए थे तो लड़के लोग को सिखाया गया था कि ये कहना, तभी लड़के लोग आए थे, लड़की लोग नहीं कुछ कहे। अच्छा, कौन आए थे लोग? मुन्ना मुखिया आए थे। और उनके साथ कोई आया था? हाँ आए थे। अच्छा, कौन लोग थे वो लोग? घूमते लोग। अच्छा, मीडिया के लोग थे। क्या सिखाया था? क्या सिखाया था वो लोग? कि फल वल नहीं देते हैं ये बोलना, और अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है, खाना वाना नहीं मिलता है। मुरली भरावा जो राजकुमार का धरोहर है, उस विद्यालय में 2 गुटों की आपसी लड़ाई है, आपके द्वारा जांच किया गया है, उसमें क्या बताया जा रहा है? देखिए, गुट से हमको लेना देना नहीं है, शिक्षक है और शिक्षा
दोनों निर्भर करता है प्रधानाध्यापक सहायक शिक्षक पर। ग्रामीणों से हमको आपसी द्वेष का मतलब नहीं है। मैंने जो वहाँ पर विद्यालय में गया था वहाँ पर CRCC भी मौजूद थे, BRP भी मौजूद थे और हमारे जाने के बाद में मध्याह्न भोजन साधन सेवी भी मौजूद थे। वहाँ पर बच्चों की संख्या 315 लगभग पाई गई थी। स्थानीय ग्रामीणों भी वहाँ पर मौजूद थे। खाना मेनू के अनुसार बन रहा था। बच्चों से मैं पूछताछ किया कि बच्चों का छात्रवृत्ति पोशाक की राशि बांटी गई है कि नहीं। सारी बच्चों ने बोला कि ना, पोशाक छात्रवृत्ति की राशि हम लोग को मिल गया है। या शनिवार को जो एक पेपर में या किसी आप लोग के माध्यम से एक शिकायत पर सुना गया था कि वहाँ पर अंडा बच्चों को नहीं दिया जाता है, वहाँ पर मैंने वर्ग 6, 7, 8, 5 तक के बच्चों से पूछताछ किया। बच्चों ने बताया कि नहीं, प्रत्येक शुक्रवार को एक अंडा हम लोग को दिया जाता है और छोटा बच्चा जो नामांकित नहीं है वह उस दिन बच्चों जब आ जाता है अपने एक दूसरे बच्चों का साथ लेकर, तो वह ग्रामीणों को अपना अभिभावक को शिक्षक डर कहिए या वहाँ पर बदनामी के चलते उस वह बच्चों को एगो में दो ठो कह के जो नामित नहीं है, बच्चा का नामांकन नहीं है, उसको दिया जाता है। आज के अनुसार हमको कोई भी अनियमितता नहीं उसमें पाया गया है। इस तरह अनवरत सप्ताह में मैं एक बार विद्यालय देखूंगा, इस पर क्या अनियमितता पाई जाती है, तो इसके लिए पूर्ण रूप से साधन सेवी BRP और CRC समन्वयक और प्रधानाध्यापक दोषी होंगे। मैं अनवरत उस विद्यालय का निरीक्षण और अनुसरण कराएंगे। एक सर, मैंने पहली बार एक विद्यालय को देखा, मिडिल स्कूल होने के बाद भी बच्चे नीचे बैठे हुए थे। ये बड़ी दुख की बात थी। मिडिल स्कूल है और आप लोग इतने, इसके संबंध में क्या करना है? देखिए, यह तो बिहार सरकार के ओर से अभी प्रयास जारी है। हमको उम्मीद है कि आने वाला समय 19-20 में सरकार की जो जैसे स्मार्ट क्लास और जगह जहां हाई स्कूल है चल रहा है, आने वाला दिन में वह सरकार के द्वारा वो राशि उपलब्ध कराया जाएगा जिसके लिए बच्चों को वह डेस्क बेच तैयार किया जाएगा और उस पर बच्चे बैठेंगे। चूँकि ऐसा अभी विभाग से कोई अभी प्रस्ताव नहीं आया है। अब प्रस्ताव आते ही जितने भी मध्य विद्यालय है या प्राइमरी स्कूल के वह जो भी बच्चे हैं उसके लिए वह सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। एक सवाल सर, इस प्रखंड में 3 बुनियादी विद्यालय हैं, उसी तरह राजकुमार शुक्ला का वह धरोहर विद्यालय है और वहाँ ऐसी स्थिति है, तो क्या हम अनुमान लगा सकते हैं जहाँ राजकुमार की सभी लोग और महात्मा गांधी की कस्में खाते हैं, लेकिन उस विद्यालय के हालात आज देखकर ऐसा लगा कि सरकार सिर्फ ढकोसला बनाती है? नहीं, देखिए, यहाँ पर शिक्षक ही दोषी नहीं है, वहाँ पर आम पब्लिक अभिभावक भी दोषी है। अपने कर्तव्यों का वह अभिभावक नहीं जान रहे हैं, ग्रामीण नहीं जान रहे हैं। उनका एक ही मकसद है कि बच्चों को लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं जितना भी चल रही है उसको मिले। वह बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देता है कि बच्चों को सही रूप से पढ़ाई हो। जनप्रतिनिधि जो है पंचायत स्तर पर, उन लोग के आपसी कोई विवाद हो सकता है जो मेरे विद्यालय से कोई लेना देना नहीं है, हमारा शिक्षक। एक सवाल और, राजकुमार शुक्ला के इसके पूर्व में सारे पदाधिकारियों ने कहा था कि मुरली भरावां विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उत्कर्षित किया जाएगा, लेकिन इधर सुनने में आ रहा है कि एक षड्यंत्र के द्वारा उस विद्यालय को माध्यमिक नहीं करके उत्कर्षित ही मध्य विद्यालय रखा जाता है, इसके विषय में आपको क्या? नहीं, आज वहाँ पर स्थानीय ग्रामीणों ने यह शिकायत हमारे पास दर्ज कराई है। मैं उन लोग से मांगा हूँ कि अगर आपके पास कोई पेपर हो, जमीन का दस्तावेज हो, तो वह हमारे पास दीजिए। दोनों विद्यालय का मैं जाँच करूँगा और मैं प्रयास करूँगा कि जिस देश के आज़ादी के लिए इन्हें महापुरुष ने अपना जान न्यौछावर कर दिया, उस विद्यालयों को उत्कर्मित उच्च विद्यालय हो। इसके लिए मैं निदेशक से लेकर DM और जिला शिक्षा पदाधिकारी तक मैं पत्र